29वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत मंडी के सेरी मंच पर परिवहन विभाग द्वारा खेल व पुलिस विभाग के सहयोग से एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने मिनी मैराथन में स्कूल और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों तथा अन्य प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई व हरी झंडी दिखाकर मिनी मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर एडीएम राजीव कुमार ने कहा कि हम सभी को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए तथा अन्य को भी इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर छोटे छोटे आयोजन करें, जिससे सड़क सुरक्षा के बारे में प्रचार प्रसार किया जा सके। वहीं थाना प्रभारी सुनील संख्या ने यातायात संबंधी जानकारी दी। बाद में मिनी मैराथन के प्रथम विजेता हटगढ़ के रमेश, द्वितीय हटगढ़ के ही नागेंद्र पाल व तृतीय स्थान पर मंडी के चमन रहे, जबकि सांत्वना पुरस्कार सुंदरनगर के वरिष्ठ नागरिक परमा राम को मिला और महिला प्रतिभागी मंजुला कुमारी को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव कुमार ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 23 अप्रैल से 30 अप्रैल प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज मंडी में भी इसका शुरुआत की गई और पहला कार्यक्रम था जो मिनी मैराथन का आयोजन करवाया गया और इसमें आईटीआई के बच्चों ने तथा अन्य स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और इस मिनी मैराथन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि तो जिस तरह से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है और हम कई बार सड़कों के ऊपर लापरवाही जाने अनजाने कर देते हैं और जिससे हमारी बहुमूल्य जाने चली जाती है, कई बार हमारे जो अंग है उनका भी नुकसान हो जाता है। तो ये सप्ताह का यही मुख्य उद्देश्य है कि हम जागरूक हो तो सभी लोग सड़कों पर बहुत ही सावधानी के साथ ड्राइव करें, स्पीड से चलना चाहिए, ओवरटेक ना करें और जो भी सुरक्षा उपकरण है हेलमेट पहन के दोपहिया वाहन है उसको चलाएँ, कार या सीट बेल्ट का उपयोग करें और कई बार हम किसी सीट पे सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते हैं। यही होता है कि जो आगे ड्राइवर को सवार होता है वो सीट बेल्ट जो पहनता है पीछे नहीं पहनते हैं। ऐसे भी मामले ध्यान में जब ये आए कि पिछली सीट पर सीट बेल्ट पहनी हो तो जान है बच सकती है, तो मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा क्योंकि युवा जो है उनके माध्यम से संदेश जल्दी से जल्दी एकदम प्रसारित होते हैं, वो एकदम आगे परकुलेट होते हैं कि सड़क पर जब भी चलें सुरक्षित चलें, क्योंकि अगर सड़क सुरक्षित सड़क पर अगर हम सुरक्षित चलेंगे तभी हम अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे।